प्यारे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सिंह, डायरेक्टर ऑफ जीनियस केमिस्ट्री क्लासेज। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजाइलिक के नेमिंग को हम लोग खत्म कर चुके थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका रोल अगर आप नीट या जेई की तरफ जाते हैं तो भी काफ़ी बेहतरीन रोल प्ले करता है, और इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी कम समय में कोशिश करेंगे इस चैप्टर की पूरी नेमिंग को हम लोग देखते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अगर इस वीडियो को ईमानदारी से आपने देख लिया, बिना स्किप किए देखा, तो आप कभी नेमिंग में फंस नहीं सकते हैं। एक नई चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, और चैप्टर है क्लास 12th की यूनिट 13वां यूनिट। यूनिट का नाम है एमीन, जो कि काफी बेहतरीन है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे तो इसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी साथ में मिलेगा। तो हम लोग एक चैप्टर लेकर चल रहे हैं बाबू, चैप्टर का नाम है एमीन। देखिए, सबसे पहले जरूरी होता है एमीन का नोमेनक्लेचर। अगर हम बात करें तो बिहार बोर्ड ने प्रत्येक साल एमीन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दिया, हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन रहा है। इसलिए एमीन को अगर बढ़िया से हम लोग अगर देखें तो एमीन जो होता है इसके विषय में अगर हम लोग बात करें तो अच्छी तरह से आपको पता होगा कि एमीन का एक फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है, हम पूरा लिख दे रहे हैं फंक्शनल, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बाबू NH2। क्या होता है? NH2। इसी को हम लोग एमीन कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यह फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एमीन बन जाएगा। ये वही एमीन है। कभी कभी ये सब्स्टिट्यूट्स का कभी काम करता है, कभी कभी ये साइड चेन का रूप ले लेता है जब इसके साथ इससे बेहतरीन फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे कार्बोजाइलिक एसिड का एंट्री हो जाता है, तो उस बीच यही एमीन साइड चेन बन जाता है। और तब इसे जब ये सब्स्टिट्यूट्स बन जाता है तब इसी NH2 को एमीनो कहा जाता है। इसी NH2 को क्या कहते हैं बच्चों? एमीनो कहते हैं। यहां जो एमीनो आप देख रहे हैं ये एमीन ही है, बस फर्क क्या है, जब ये साइड चेन बनेगा, एक शब्दों में कहें तो ये फंक्शनल ग्रुप का काम उस समय नहीं करेगा, तब इसे एमीनो कहा जाएगा। और जब ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा तब इसका नाम हम लोग एमीन रखेंगे। तब इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? एमीन रखेंगे। अर्थात एक लाइन में कहें तो इसका जो सफिक्स होता है, जो नाम के अंत में जुड़ता है सफिक्स, इसमें एमीन होता है। इसके नाम के अंत में हम लोग सफिक्स में एमीन शब्द का प्रयोग करते हैं। साइड चेन बन जाए तो एमीनो कहलाएगा, और इसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। कोई पूछे आपसे एमीन क्या है, कहिएगा वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित हो, तो फिर उसे एमीन कहते हैं। एमीन क्या है? वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित होता है उसे एमीन कहा जाता है। जब ये साइड चेन का कार्य करे तो इसे एमीनो कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एमीनो का प्रयोग कब होगा। तो ये है एमीन। आपको डिफिनेशन लिखना है तो आप अपने से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित होता है उसे एमीन कहा जाता है। अब बात आता है कि एमीन बना कैसे, एमीन का किसका डेरिवेटिव्स होता है, एमीन का निर्माण कैसे होता है। तो एक तो एमीन, पहले ये याद रखिएगा, आप लोग अमोनिया के नाम सुने होंगे, अमोनिया के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, साफ बन रहा है ना? देखिए, जो आप एमीन देखे हैं रियल में ये जो एमीन होता है ना बाबू, ये अमोनिया से बना है। किससे बना है बोलते एक बार? अमोनिया से बना है। अमोनिया वही जिसका फॉर्मूला होता है NH3। जब आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो यहां बनेगा NH2, तीन था एक हट गया, अभी भी दो बचा है, तो ये बन गया NH2 ग्रुप। एक और अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो बन जाएगा NH ग्रुप। एक और हाइड्रोजन को अगर चाह रहे कि नहीं सर हम एक और हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा N ग्रुप, ऐसा बचेगा। जब नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन हो,
अर्थात इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं बाबू प्राइमरी एमीन। क्या कहते हैं इसको, बोले एक बार, प्राइमरी एमीन। जब नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन हो, दो वैलेंसी खाली हो, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एमीन। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमीन। और जब तीन हो और बंधन तीन हो, हाइड्रोजन एक भी ना हो, तो इसे कहते हैं टर्शियरी ए। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इस तीनों एमीन के बारे में बिहार बोर्ड ने पहले ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करूं तो आप एक बार देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का, बिहार बोर्ड फाइनल ईयर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली, क्वेश्चन में क्या बोला था देखिए, सेट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन इज, सेकेंडरी एमीन है तो कौन है, चार ऑप्शन में दिया है, उस ऑप्शन में बाबू पहला नंबर ऑप्शन में दिया है NH होगा, सेकेंडरी के बाद चला है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है NH2 होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या दिया है NH3 दिया है, चौथा नंबर ऑप्शन में दिया है NH3 पे प्लस चार, और पूछा है कि इनमें से कौन सेकेंडरी अमीन है, और सेकेंडरी अमीन आप देख सकते हो क्या होना चाहिए, NH, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अवेलेबल 100% करेक्ट आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा एकदम। तो याद रखिएगा कि इस तरह से एमीन का फंक्शनल ग्रुप आपको याद रहेगा, कैसे बना है, अमोनिया से, अर्थात एमीन जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है, अमोनिया का क्या होता है डेरिवेटिव्स, अर्थात व्युत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को हटाते हैं, किसी और ग्रुप को लाके वहां पर जोड़ दिया जाए, जैसे अल्काइल या एराइल ग्रुप, तो ये बन जाता है एमीन। अब यहां तो एमीन का मतलब आप समझ गए, एमीन क्या है, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 जुड़ा हो। कोई पूछेगा एमीन किसका डेरिवेटिव से, अमोनिया से तैयार हुआ है, कैसे हुआ है, जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटता है तो प्राइमरी एमीन, दो हटता है तो सेकेंडरी एमीन, तीन हटता है तो टर्शियरी एमीन बनता है। इस तीनों में अंतर पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप में, बस आपको पहले फंक्शनल ग्रुप याद कर लीजिए, एक नंबर फिक्स हो गया आपके बोर्ड में, आना ही आना है भाई साहब। ये 23 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, 23 का है, 24 वाले पेपर में भी दिखाऊंगा क्वेश्चन में क्या है। अब रियल में एमीन जो होता है इसका इसका नेमिंग हम लोगों को मेन है, पहले इसका नेमिंग पढ़ना एकदम जरूरी है। और नेमिंग में अगर हम लोग बात करें एमीन के, तो देखिए सबसे मेन है कि आप एमीन पहचान लो, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके नेमिंग कैसे होते हैं। अगर एमीन का नेमिंग आपको करना है तो आपको इतना ख्याल रखना है कि एमीन पहचान में आना चाहिए कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। इसलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पहले प्राइमरी एमीन का नाम लिख लेते हैं, फिर सेकेंडरी का लिखेंगे, फिर टर्शियरी का लिखेंगे। प्राइमरी एमीन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं करने के लिए नेमिंग ऑफ प्राइमरी एमीन, नेमिंग ऑफ प्राइमरी एमीन मतलब RNH2। यह प्राइमरी एमीन है, R माने कोई भी कार्बन का चयन आ जाएगा, अर्थात R के जगह पर अल्काइल आ जाएगा, नहीं तो R के जगह पर एराइल आ जाएगा। अल्काइल माने कार्बन का चयन होगा और एराइल माने बेंजीन का रिंग होगा, दोनों ही रूप में होता है। नाम देने का तरीका आपका कैसे होगा तो देख लीजिए, यहां पर आप जानते हैं ना कि दो स्तर से नाम दिया जाता है, एक आयुपैक नेम होता है, एक होता है कौन सा नेम, एक कॉमन नेम होता है। आप जब भी एमीन का नाम लिखने जाइएगा, कॉमन नेम भी प्रचलित है, आयुपैक नेम भी प्रचलित है। आयुपैक नेम हम लोग कैसे देते हैं, तो देखिए आयुपैक नेम आपको देना है तो किसका लिखना है, इसी का ना, RNH2 का, और इसमें भी तो है RNH2 का। जब इसका आयुपैक नेम लिखिएगा तो R जो यहां पर है अल्केन बन जाएगा, R क्या बन जाएगा अल्केन बन जाएगा, तो पूरा R के जगह अल्केन लिख दीजिए, और NH2 के लिए आप इसमें एमीन जोड़ दीजिए, NH2 के लिए एमीन जोड़ दीजिए। लेकिन आपको पता होगा कि जब दो भवेल एक साथ जुड़ते हैं तो पहले वाला सफिक्स के अंत वाले भवेल को हटा दिया जाता है, तो यहां से ही गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा ALKANE के जगह ई गायब, और वहां लाके चिपका दीजिए एमीन। इसी तरह से नाम दिया जाता है अल्केनामाइन। इसमें जो एमीन है NH2 है, अगर इसका पोजीशन एक के अलावा जगह पर हुआ, 2, 3, 4, 5 पे, तो इसके पोजीशन भी बताना पड़ेगा। जैसे ऐसे लिखेंगे अल्केन,
इसका पोजीशन अगर दो पर आए तो लिखना पड़ेगा एक्स एमीन, अर्थात एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा, एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ एन एच टू, पोजीशन ऑफ एन एच टू। एन एच टू कितने नंबर पाया है उसी के पोजीशन को यहाँ पर दिखा देना है। अब यहाँ पर जो पोजीशन दिखाएंगे वो कितने नंबर पर होगा, एक पर हो तो छोड़ देना, एक के अलावा हो तो उसे लिख दीजिएगा, बस इतना याद रखिए। कॉमन नेम में कैसे लिखिएगा, आर को यहाँ अल्काइल कहेंगे, एन एच टू को यहाँ पर एमीन कहेंगे, तो हो गया अल्काइल एमीन। देखिए आयुपेक नेम देना हो बाबू तो पूरा अल्केन लिख देना, कॉमन नेम देना हो तो अल्काइल कर देना। आयुपेक में नाम के अंत में एनी जोड़ना और कॉमन नेम में वाईएल जोड़ना, इसमें का ई हटा देना, एमीन जोड़ देना, इसमें पूरा अल्काइल पूरा एमीन जोड़ देना। अब इसका नेमिंग पे हम एक दो उदाहरण आपको दिखा दे रहे हैं, आप ये रूल याद रखिएगा। कैसे रूल आपको याद रखना है कि अल्केन में एमीन जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आयुपेक नेम, अल्काइल एमीन कर दीजिएगा तो हो जाएगा कॉमन। अब हम एक एक करके उदाहरण दिखा देते हैं, देख लीजिए। किसी लड़का ने क्वेश्चन दिया सी एच थ्री एन एच टू और बोला इसका नाम बता। सर आयुपेक नेम क्या, सबसे पहले पता लगाइए आयुपेक नेम में आपको कार्बन की गिनती करिए, अल्क मिल जाएगा। अल्क मैंने बुझाता है वर्ड रूट जिसे आप कहते हैं, एक कार्बन को मेथ, दो एथ, तीन प्रोप, चार ड्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नून, दस को डेक, ग्यारह अंडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कार्बन गिनिए कै गो है, एक कार्बन है, एक कार्बन का पूरा नाम होता है मिथ एन, ई तक आपको ई हटा लेना है और उसके जगह पर इसके लिए क्या लगा देना है, एमीन। तो नाम हो गया मिथेनामाइन, क्या नाम हो गया मिथेनामाइन। कॉमन नेम देना हो तो क्या करिएगा, देखिए कार्बन जॉग होगा उसका तो लिखना ही है अल, एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ, इसमें जोड़ना है वाई एल, नाम हो गया मिथाइल, और एन एच टू के लिए आप क्या जोड़ दीजिए एमीन, तो नाम हो गया बाबू मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, ऐसे ही इसका नाम दिया जाता है। कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए एक और उदाहरण देख लीजिएगा। मान लीजिए किसी ने आपको ऐसे क्वेश्चन दिया सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, बोला इसका नाम बताइए, सबसे पहले कार्बन की गिनती कीजिए, वन टू, दो कार्बन का पूरा नाम क्या होता है बोलिए, इथेन, वही में से ही ई को गायब कर लीजिए और इस ई को हटाकर इसके लिए क्या जोड़ दीजिए एमीन, क्या नाम हो गया इथेनामाइन। कॉमन नेम देना है तो दो कार्बन को बाबू हम लोग कहते हैं इथाइल और इस NH2 का नाम क्या होता है एम मीन, नाम हो गया इथाइल एमीन। कॉमन नेम इसका ऐसे देना है, आयुपेक नेम इसका ऐसे देना है। सपोज कीजिए कि सर ये हर बार एक ही नंबर पे थोड़ी आएगा, कहीं बीच में तीन चार पांच पोजीशन ले ले। जैसे किसी ने क्वेश्चन दिया आपको सी एच थ्री सी एच ऊपर एन एच टू और ये रहा सी एच थ्री, बोला इसका नाम दीजिए। अब इसका नाम अगर आपको देना है तो नंबरिंग कीजिए जिधर से इसको कम नंबर मिले, वन टू थ्री। अब तीन कार्बन का पूरा नाम तो होता है प्रोप एन, ये दो नंबर पे आया है तो दिखाना पड़ेगा दो पर आया है एमीन, दो पर आया है एमीन। उसके बाद कॉमन के तरफ थोड़ा बढ़िए तो कॉमन नेम में क्या होगा, इस दो नंबर पे ब्रांचिंग होते इसको हम लोग कहते हैं आइसो, एक दो तीन कार्बन को कहते हैं बाबू प्रोप, अगर यह कॉमन है तो वाई एल लगाएंगे, नाम हो गया आइसो प्रोपाइल। और एन एच टू का नाम तो आप पहले ही से पढ़ के आए हैं, इसको एमीन कहते हैं। और खास बात याद रखिएगा सेम इसी क्वेश्चन को 2023 की बोर्ड की फाइनल ईयर एग्जाम में पूछा गया था। अब मैं इस क्वेश्चन को भी दिखा दूं, अगर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाए तो देख लीजिएगा, दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए। यहां पर जो क्वेश्चन लिखा है सेम टू कॉपी एकदम लिखा है, देख लीजिए ध्यान से, यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया था, पूछा था इसका आयुपेक नेम बताइए। चार ऑप्शनों में देले है, पहला देले है प्रोपाइलेमीन, देखिए ये प्रोपाइलेमीन तो है ही लेकिन आइसोप्रोपाइल है, लेकिन ये तो कॉमन नेम बोल रहा है, आयुपेक नेम पूछा है। दूसरा में बोल रहा है आइसोप्रोपाइलेमीन, आइसोप्रोपाइल ये तो कॉमन नेम बता रहा है। तीसरा ऑप्शन में दिया है प्रोपेन टू एमीन, अर्थात यही आपका आयुपेक नेम है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी 100% करेक्ट आंसर।
सी नंबर सही है। चौथा नंबर ऑप्शन में दिया है प्रोपेन वन एमीन, तो वन तो आएगा नहीं क्योंकि टू नंबर पा रहा है। तो इस तरह से इसका नेमिंग किया जाता है। नाम कैसे लिखना है आप बात समझ चुके हो। अगर मैं इसको थोड़ा और लंबा चौड़ा करूं तो आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे बना है। तरीका समझ लीजिए, क्वेश्चन रट के कुछ होने वाला है नहीं, बस तरीका याद है तो काम हो जाएगा। आइए एक आखिरी क्वेश्चन हम इस पर करा देते हैं। ऐसे तो बहुत है, क्वेश्चन कराया जाए तो काफी समय लग जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपको समझ आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आगे चल के अब आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई कहे सर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो नाम कैसे दिलाएगा, तो आपका पहला काम है कि उस कार्बन के तरफ से नंबरिंग कीजिए जिधर से एमीन को कम नंबर मिल जाए। 1, 2, 3, 4 चार नंबर पे पड़ रहा, इधर से 1, 2 पे पड़ रहा, तो 2 सही कि 4 सही? 2 सही। आयु पिक के अकॉर्डिंग नंबरिंग हमेशा उधर से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये रहा एक साइड चेन, ये गिनती से बाहर है। 3 पर आया इसलिए लिखेंगे 3 पर आया है एमीन, सॉरी 3 पर आया है मिथाइल। उसके बाद टोटल चैन में 5 है तो आप लोग 5 को कहते हैं पेंट एन, ये हटा लिए हैं। आई भाई साहब 2 नंबर पर जुड़े हैं तो 2 पर एमीन, 2 पर एमीन, और इस तरह से इसका नेमिंग किया जाता है। समझ में आया? ऐसे ही आएगा प्राइमरी एमीन। अब इसको रिंग में भी जोड़ के देखा जा सकता है। रिंग में आए तो हम नाम कैसे देंगे, जैसे हम आपको बता देते हैं कि रिंग में आ जाए तो नाम कैसे दिया जाता है। प्राइमरी है लेकिन रिंग में आए तो कैसे लिखेंगे, आप इसे उतार चुके होंगे। मान लो बाबू का अगर ये बेंजीन रिंग में जुड़ जाए, NH2 ग्रुप बेंजीन में जुड़ जाए, जैसे ये रहा बेंजीन रिंग, इसमें जुड़ा डायरेक्ट NH2 ग्रुप और बोला इसका नाम बताइए, कहेगा इसका नाम बताइए, तो पहले तो आप इसे जानते हो कि इसको बेंजीन कहते हैं तो लिख दो, है ना। एमीन अगर जोड़ दें तो नाम होगा बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन, अर्थात ई को हटाए और एमीन को लाकर सटा दिए, दो भाव एक साथ होता है तो पहले का हट जाता है। बेंजीन में यदि डायरेक्ट NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो याद रखिएगा इसका कॉमन नेम बड़ा प्रचलित है, इसी को दुनिया कहती है एनिलीन। क्या कहती है बोलो तो एक बार, एनिलीन। अर्थात बेंजीन में डायरेक्ट NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इसको बेंजेनामाइन भी आप कह सकते हैं, बेंजीन से ई हटाकर एमीन को जोड़ दिया गया है, बेंजेनामाइन है। सपोज कीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे होता, एक एमीन के साथ साथ एक साइड चेन में कोई और ग्रुप जुड़ जाता तब नंबरिंग होता, एक जुड़ा था नंबरिंग नहीं हुआ, एक से ज्यादा होगा तो नंबरिंग किया जाएगा। हाई कौ पर है, 3 पर है तो कहिए 3 पर जुड़ा है कवन थाइल, मिथाइल, इतना का नाम तो है पढ़वे किए हैं इकट्ठे हम लोग। क्या नाम देते हैं बाबू, बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन, अर्थात बेंजीन में एमीन हो तो उसे बेंजेनामाइन कहेंगे। आप नहीं लिखना चाहो तो कॉमन नेम में उसको एनिलीन आप कह सकते हो, कि 3 मिथाइल एनिलीन वो भी सही हो जाएगा, लेकिन आईयूपीएसी के नेम में आप ऐसे ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कितना साइड चेन जोड़ दें फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक से ज्यादा संख्या आएगा तब भी हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा सर अगर 2 NH2 आ जाता तब NH2 आप नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये रिंगवा का नाम होता है क्या, पूरा बेंजीन। अभी मत हटा देना, अब ई नहीं हटेगा, क्योंकि ई इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि इसके बाद अगर भवेल आए तो हटाएंगे। देख लीजिए एगो एक नंबर पर एगो 3 नंबर पर 1, 3 दूगो है तो डाई एमीन, डाई एमीन। अब बताइए क्या है दोनों एक दूसरे के साथ भवेल जुड़ रहे हैं, नहीं ना, ये भवेल है लेकिन नहीं है, तो अब ई नहीं हटेगा तो बेंजीन 1, 3 डाई एमीन। इसी तरह से इस पूरे एमीन का नेमिंग किया जाएगा यदि प्राइमरी हुआ तो। अगले लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन के, वर्शियरी एमीन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।